वेल दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने ऑनलाइन कुछ और ऑर्डर किया है और आपको रिसीव कुछ और होता है? तो आज हम ऐसे ही एक इंसिडेंट के बारे में बात करेंगे जो कि दिल्ली में हुआ है। दिल्ली का एक पर्सन, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, जिसने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया था अपना एक आईफोन 8 और उसकी प्राइसिंग थी करीबन 55,000 रुपये और उसने ऑनलाइन पेमेंट भी कर दिया था। बट जब उसे रिसीव हुआ वो प्रोडक्ट आईफोन 8, तो उसके अंदर आईफोन 8 नहीं था, उसको मिला एक साबुन। और उसने फिर फ्लिपकार्ट पर केस कर दिया एक अपने ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन अंदर जाकर, और उस पर फिर फ्लिपकार्ट का यही जवाब था कि यार हम इस पर जो है इसकी जांच कर रहे हैं और इसको जल्द ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ है, पहले कितनी बार, काफी बार हो चुका है, और फ्लिपकार्ट ही नहीं, अमेजोन, स्नैपडील, पेटीएम सभी के साथ हुआ है। तो इसमें कंपनी ये जानबूझ के नहीं करती है कि यार किसी ने अगर आईफोन मंगाया है तो हम उसको कुछ और दे रहे हैं, साबुन दे रहे हैं, तो ये कंपनी जानबूझ के नहीं करती है। इसमें रोल होता है थर्ड पार्टी सेलर्स का। अब थर्ड पार्टी सेलर्स क्या होते हैं, तो वो आज के इस वीडियो के अंदर हम डिटेल में बात करेंगे, और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है ऑनलाइन शॉपिंग करते समय, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको सब कुछ क्लियर हो जाए और आप सेफ शॉपिंग कर पाए ऑनलाइन। वेल दोस्तों, अगर भारत में बात आती है ऑनलाइन शॉपिंग की, तो हमारे माइंड में सबसे जो बड़ी साइट्स है वो आती है पहले अमेजोन और फ्लिपकार्ट। अब यहाँ पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट पर आप जब भी शॉपिंग करने जाते हैं, कोई भी प्रोडक्ट ओपन करते हैं, तो आप सबसे पहले देखते हैं उसके रिव्यूज़, उसकी रेटिंग्स कि भाई इसको कितनी रेटिंग्स मिली है, उसके रिव्यूज़ कितने हैं, प्राइस कितनी है इसकी। और सबसे पहले तो मुझे पता है कि आप प्राइस ही कंसिडर करते हैं, प्राइस को कंसिडर करने के बाद में आप उसके रिव्यूज़ देखते हैं कि यार इसके रिव्यूज़ कैसे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, तो वो आप देखते हैं। बट आप कभी भी सेलर पर ध्यान नहीं देते हैं कि सेलर जो है वो वेरीफाइड है या नहीं, वो प्रोडक्ट जो है फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन है या नहीं, अमेज़ॉन प्राइम के अंडर में आता है या नहीं। तो आप अमेज़ॉन से कभी भी शॉपिंग करते हैं तो आप प्रोडक्ट पर मेक श्योर कर लें कि उस पर फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन लिखा हो या फिर अमेज़ॉन प्राइम लिखा हो, यानी कि अगर उस पर COD अवेलेबल है और ये दोनों टैग्स अवेलेबल हैं, तो जो डिलीवरी होगी उस प्रोडक्ट की वो अमेज़ॉन खुद करेगा अपने वेयर हाउस से, खुद करेगा अपने वेयर हाउस से, अमेज़ॉन की बात है ये। अब फ्लिपकार्ट पर चलते हैं, तो फ्लिपकार्ट पर भी आप सब कुछ सेम ही देखते हैं, बट वहाँ पर आपको मिलता है एक और टैग, वो होता है फ्लिपकार्ट एश्योर्ड, यानी कि जो फुलफिल्ड बाय अमेज़ॉन था अमेज़ॉन पर, वैसा ही टैग होता है यहाँ पर फ्लिपकार्ट एश्योर्ड, यानी कि फ्लिपकार्ट खुद अपने वेयर हाउस से डिलीवरी करता है उस प्रोडक्ट की। अब यहाँ पर ये दोनों चीज़ें होती है। अब इसके अलावा जो आपको प्रोडक्ट्स दिखते हैं वो आते हैं थर्ड पार्टी सेलर्स के थ्रू, यानी कि उसके अंदर जो थर्ड पार्टी सेलर्स होते हैं वो खुद उन प्रोडक्ट्स को शिप करते हैं खुद पैकिंग करके। वहां पर आती है गड़बड़ी, वहां पर आती है मेन गड़बड़ी, यानी कि मैं अमेज़ॉन पर कुछ महीनों के लिए एज अ सेलर रहा हूं और मैं एक थर्ड पार्टी सेलर था। अब वहां पर क्या होता था कि कुछ भी, किसी भी प्रोडक्ट का अगर ऑर्डर आया है तो मैं सिंपली उसको खुद ही पैकिंग करता हूँ मेरे हिसाब से, उसके अंदर मैं इनवॉइस वगैरह डालूंगा और उस पर मैं एड्रेस वगैरह कस्टमर का लिखूंगा, उसके बाद में मैं उसको शिप कर दूंगा। किसके थ्रू करूंगा वो मेरी जिम्मेदारी है, कुरियर से करूं चाहे इंडिया पोस्ट से करूं, कस्टमर तक वह पहुंचना चाहिए, मैं उसको शिप कर दूंगा। इसके बारे में अमेज़ॉन को कुछ भी पता नहीं होगा कि पैकेज के अंदर क्या है, मुझे केवल एक जो ट्रैकिंग नंबर है वो अमेज़ॉन को देना होता है, उसके बाद में वो प्रोडक्ट चला गया, पार्सल चला गया, उसके अंदर चाहे पत्थर हो, चाहे साबुन हो, कुछ भी हो, तो वो गया। अब कस्टमर उस पार्सल को जब तक खोल के देखेगा नहीं कि भाई उसके अंदर क्या है, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ पर देखो, होता यह है कि थर्ड पार्टी सेलर्स का मतलब भी ये नहीं है कि यार हर कोई उठ के सेल कर रहा है, आपकी पर्टिकुलर कंपनी होनी चाहिए अगर आपको सेलिंग करनी है, आपका टिन नंबर होना चाहिए कंपनी का जो कि अमेज़ॉन पर आपको एंटर करना होगा, चाहे किसी भी वेबसाइट से आप प्रोडक्ट सेल करें वहाँ पर आपको एंटर करना होगा, आपका पैन कार्ड, कंपनी का पैन कार्ड, आपका आधार नंबर, सारे लीगल डॉक्यूमेंट जो है वो पहले ही अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट या चाहे कोई भी साइट से वो आपसे साइन करवाएंगे, आपसे लेंगे, उसी के बाद में आप एज अ सेलर जो है जुड़ सकते हैं। तो ऐसा तो आप सोचना भूल जाओ कि यार एक बार मुझे पत्थर मिल गया तो उसका कोई सॉल्यूशन है नहीं। आप प्रोडक्ट को रिटर्न का जो है ऑप्शन वहां पर डाल सकते हो, या फिर आप अगर आवाज भी उठाओगे तो जो कंपनी है वो सुनेगी और आपका जो प्रॉब्लम होगा वो सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि सारी ट्रैकिंग जो है वो अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट जो बड़ी साइट्स है उनके पास होती है कि कौन सेलर कौन सा प्रोडक्ट सेल कर रहा है, उसकी डिटेल्स क्या है, तो वो उसको आसानी से ट्रैक कर पाएगी। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अगर आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दे फटाफट, और एम करते हैं 100 लाइक्स का। और हाँ दोस्तों, वीडियो को शेयर करना मत भूलना ताकि ये और भी लोगों तक पहुंचे और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, मैं अगर आपको मिलता हूँ अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बाय बाय एंड स्टे सेफ।